हेलो एवरीवन, वेलकम यू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने ओबीजी के नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने जो प्लेसेंटा है वो पढ़ लिया था, प्लेसेंटा के क्या फंक्शन है, उसका एनाटॉमी। आज की वीडियो में हम जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर्स और उसकी एबनॉर्मलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड का इसका जो अदर नेम है वो क्या है, फ्यूनिस, ठीक है। इसको फ्यूनिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का अदर नेम क्या है, फ्यूनिस। तो असल में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है क्या होती है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है, क्या बोले मैंने, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। तो एक तरह का ये लिंक का काम कर रही है। तो इस लिंक में क्या होता है कि जो ब्लड है वो फीटस से प्लेसेंटा की तरफ जा सकता है और प्लेसेंटा से फीटस की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका कुछ फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उससे भी चीज़ों के लिए एक तरह का ये कनेक्टिंग लिंक एक्ट कर रहा है। सेकेंड, ये जो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीटस से लेके कहाँ तक, फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। एक्सटेंड, क्या बोला मैंने, इट एक्सटेंड फ्रॉम फीटस टू फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। जैसे ये कोई फीटस है, ठीक है। तो इस अगर मैं रफली एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, तो ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो इधर आपका ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। एक रफ डायग्राम मैंने बताया, तो इसका ये फीटस से कहाँ पे, ये इसका जो फीटल पार्ट है, ठीक है, इससे कनेक्ट है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो हमारा प्लेसेंटा है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सर्कल में होता है, ठीक है, डिस्कॉइड शेप होती है। तो ये इस तरफ से है ये, ठीक है। तो इस तरफ से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट है। तो ये हमारी कौन सी सरफेस बताई थी, फीटल सरफेस, और इस तरफ वाली मैटरनल सरफेस, ठीक है। तो ये तो इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन क्या होता है असल में वो उसकी बात कर ली। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो एक ये इलोंगेटेड होती है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट इसका अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे मैंने दो आर्टरी बना दी है और एक वेन बना दी है, ठीक है। जिसके ये जो कवरिंग है वो ये क्या है, एक सिंगल एपिथीलियम की बनी होती है, एक सिंगल लेयर की बनी होती है, ठीक है। आउटर जो एपिथीलियम है सिंगल एपिथीलियम का होता है, और इसके अंदर क्या बताया, दो आर्टरीज होती हैं, अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये है स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वाटसन जेली, ठीक है। आउटर कवरिंग क्या बोले, सिंगल एपिथीलियम होती है, इसके अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। और जो इसकी ये जो फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये चिपचिपा एक पदार्थ होता है, ठीक है, मटेरियल होता है, जिलेटेनियस फ्लूड होता है। वाटसन जेली क्या है, जिलेटेनियस एक फ्लूड है, चिपचिपा एक तरल फ्लूड है, पदार्थ है, ठीक है। वो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट दी अम्बिलिकल वेसल्स,
जी दो ये जो वेसल्स अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन, इनको वो कंप्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे इस तरह से ये आर्टरीज और वेन जाती हैं तो इनके ऊपर कोई कंप्रेशन ना आए, तो उसके लिए क्या है वाटसन जेली का यही फंक्शन होता है। ठीक है, तो वाटसन जेली क्या है, एक जिलेटेनियस फ्लूड है जो अम्बिलिकल वेसल्स को कंप्रेस दबने से बचाता है। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक वेन होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में 4 मंथ तक जो है दो ही अम्बिलिकल आर्टरी और दो वेन होती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग 4 मंथ तक दो अम्बिलिकल वेन और दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, बट 4 मंथ के बाद जो एक जो अम्बिलिकल वेन है वो डिजनरेट कर जाती है, वहाँ से हट जाती है, तो बचते क्या है सिर्फ दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर्स की हमने बात कर ली है। अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर वेरिएशन अगर आपको पढ़ना है तो वेरिएशन ये कितने कहाँ तक, 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, मगर आप कोई आपसे पूछे तो आप इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर बता सकते हो, और इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी अगर वेरिएशन आपको देखना है तो 1 to 2.5 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, मीन्स इतनी रेंज तक इसकी लेंथ हो सकती है, इसको हम नॉर्मल मान सकते हैं, बट आइडल जो इसकी लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो 40 सेंटीमीटर की होती है, और जो डायमीटर है उसका 1.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके करैक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ली है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो इसका जो एनाटॉमी है, उसका स्ट्रक्चर्स यही इतना ही था। अब इसके अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं कोड में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोड एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, कोड एबनॉर्मलिटीज़ में अम्बिलिकल कोड की कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी है, मीन्स वो नॉर्मल से कुछ अबनॉर्मल हो जाए किसी उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, या फिर उसके लेंथ में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है अबनॉर्मलिटी है वो है बैटल डोर प्लेसेंटा में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के मार्जिन पे अटैच होती है। ठीक है, कॉर्ड इज अटैच टू margins of placenta। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के सेंटर में अटैच होती है। ठीक है, और नियर टू सेंटर और सेंटर पर अटैच होती है, मगर बैटल डोर में क्या है, उसके मार्जिन पे अटैच होगी। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पे अटैच होगी। ठीक है, ये हमारा बैटल डोर प्लेसेंटा, याद करने के लिए कि मीन्स डोर दरवाज़ा, मीन्स बिल्कुल बाहर की तरफ। ठीक है, एंट्रेंस पे भी ना मार्जिन पे क्या है, कोड अटैच होती है। ठीक है, जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो जो यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोड रप्चर हो सकती है। ठीक है, रप्चर ऑफ कोड कैन बी अकर इन ड्यूरिंग दी वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी के टाइम, तो उससे क्या है कि जो फीटल एनोक्सिया या फिर जो डिस्ट्रेस है वो कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, सेकेंड है हमारी वेलामेंटस प्लेसेंटा में क्या है कि जो कोड इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कोड अटैच होगी वो क्या, जिसके मेम्ब्रेन्स है, मैंने पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, ये सरफेस मान लो आपकी फिटल सरफेस है, और इधर आपकी पीछे वाली जो सरफेस है वो आपकी मैटरनल सरफेस है।
ठीक है। तो इस तरह से है जो ये वाली सरफेस है फिटल सरफेस, और यहाँ पे अम्बिलिकल कोर्ड कनेक्ट हो रही है, तो ये वाला जो इसके ऊपर जो लेयर कौन सी होती है, एमनियन, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लेयर है, एमनियन, ठीक है। तो जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो किससे अटैच होगी, एमनियन से अटैच होगी पहले, ठीक है। मैंने इसमें जो अम्बिलिकल वेसल्स वो इधर से आके इस तरफ से रेडिएट हो जाती हैं, ठीक है, इस तरफ से फैल जाती है अम्बिलिकल, जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, अम्बिलिकल कोड के अंदर इस तरह से आके इधर पूरे प्लेसेंटा में इस तरह से फैल जाती हैं, ठीक है। तो वेलामेंटस प्लेसेंटा में क्या होगा, जो अम्बिलिकल कोड है वो डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच नहीं होके इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, एमनियन है, उससे अटैच होती है। तो ब्लड भी क्या करेगा, डायरेक्ट प्लेसेंटा में से जाने से पहले पहले पूरी जो मेम्ब्रेन है उसमें फैलेगा, बाद में प्लेसेंटा तक पहुंचेगा। ये कौन सी होती है, वेलामेंटस। तो इसमें एक ही चीज़ है, मेम्ब्रेन से कोड अटैच होती है, ठीक है, डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें भी डिलीवरी के टाइम, क्योंकि मेम्ब्रेन से सिर्फ जुड़े हुए हैं अम्बिलिकल कोड, प्लेसेंटा से नहीं है, ठीक है, तो अम्बिलिकल कोड यहाँ पे रप्चर हो सकती है, या फिर ये मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकती है डिलीवरी के टाइम, ठीक है। मेम्ब्रेन्स भी रप्चर होंगी, मेम्ब्रेन्स रप्चर होंगी तो अम्बिलिकल कोड यहाँ से हटेगी, ठीक है, और जो अम्बिलिकल जो वेसल्स हैं वो भी रप्चर हो सकती हैं। अम्बिलिकल वेसल्स यहाँ की रप्चर होगी तो क्या हो गया, जो फिटस में ब्लड की कमी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रप्चर होने से पहले तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, ये डिलीवरी होने से पहले की बात कर रहे हैं। तो ब्लीडिंग होगी तो हमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें डिलीवरी करवानी है, या फिर सिजेरियन से या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग से, ठीक है, सॉरी वेजाइनल डिलीवरी से। तो दोनों ही केस में हम क्या, हमारी जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि अर्जेंटली हमें डिलीवरी कंडक्ट करवानी है, और जैसे डिलीवरी होती है तो हमें बच्चे का हीमोग्लोबिन चेक करना होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से क्या है, उसमें ब्लड लॉस हो गया था, ब्लीडिंग हुई थी उसकी वजह से, तो हमें हीमोग्लोबिन हमें चेक करना होता है, अगर कम है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना होता है इमीडिएटली, ठीक है। अगर ये सब अगर हम नहीं परफॉर्म करते हैं सारे स्टेप्स तो क्या है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, वेलामेंटस प्लेसेंटा। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एबनॉर्मल लेंथ, ठीक है। एबनॉर्मल लेंथ में कोड क्या है, लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। एबनॉर्मल लेंथ, एबनॉर्मल लेंथ में पहले तो पढ़ लेते हैं शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड, ठीक है। अगर जो अम्बिलिकल कोड है वो कितनी 20 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आइडियल कितनी होती है, 40। अगर 20 सेंटीमीटर से कम है तो उसको हम शॉर्ट कोड बोल सकते हैं। तो अगर शॉर्ट कोड है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फिटस है वो अच्छे से डिसेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और फिर फर्स्ट तो क्या बोला मैंने, नॉर्मल डिसेंट, डिसेंट ऑफ बेबी फिटस विल नॉट अकर प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ, प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फिटस विल नॉट अकर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जब डिलीवरी के बाद, ठीक है, जैसे ही एक्सटेंड हुआ, ठीक है, जो स्टेप्स हैं, ठीक है, जैसे ही बेबी एंगेज होने के बाद जो एक्सटेंशन ऑफ हेड होता है उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन होता है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल जो रोटेशन है वो मे बी ना हो, ठीक है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। और या फिर फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस। तो ये किसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसके वजह से होता है, शॉर्ट कॉर्ड की वजह से, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ कॉर्ड, ये भी कंडीशन किसी किसी केस में हो सकती है, 1-2% होता है एब्सेंस ऑफ कॉर्ड, अगर कॉर्ड प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। तो मींस जो प्लेसेंटा है वो डायरेक्टली जो फिटस के लीवर से अटैच होता है,
ठीक है, ये कोई 0.1% कोई केस होता है, ठीक है, उसमें ही ये कंडीशन आती है। तो शॉर्ट कोड हो गया और एब्सेंस ऑफ कोड, एक हो गया हमारा लॉन्ग कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग कोड, लॉन्ग कोड, ठीक है। लॉन्ग कोड का बोलेंगे, अगर हमने वेरिएशन पढ़ा था नॉर्मल कितना 30 to 100, अगर 100 सेंटीमीटर से मोर देन 100 सेंटीमीटर है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग कोड। और कितने तक हो सकती है, 300 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है ये, ठीक है, वो हमारी लॉन्ग कोड होती है। और लॉन्ग कोड की वजह से क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस, फर्स्ट कोड प्रोलैप्स, ठीक है, मींस बेबी डिलीवर होने से पहले अगर कोड बाहर आ जाए, प्रोलैप्स हो जाए, ठीक है, एंगेजमेंट होने से पहले कोड अगर बाहर आ जाती है, कोड प्रोलैप्स, या फिर कोड एंटेंगलमेंट, मींस जो अम्बिलिकल कोड है वो फिटस पार्ट के अराउंड कहीं पे राउंड कर जाए, मींस वहाँ पे लपेटे में आ जाए, ठीक है, कोड एंटेंगल अराउंड फीटल पार्ट, किसी भी फीटल पार्ट, कोई भी बच्चे का पार्ट है उसके अराउंड अगर कोड ऐसे लपेटे में आ जाए, फीटल पार्ट, वो क्या होती है, कोड एंटेंगलमेंट, ठीक है। ये किसके, हम लॉन्ग कोड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रू नोड्स, ट्रू नोट्स भी बन सकते हैं, ट्रू नोट्स, ठीक है, मीन्स अगर जैसे ये अम्बिलिकल कोड है तो इस तरह से गांठ अगर लग जाए सच में, ठीक है, ट्रूली अगर सच में इस तरह से कोई नोट्स बन जाए, वो भी किसका कॉम्प्लिकेशन है, लॉन्ग कोड्स। अगर ट्रू नोट्स होंगे तो इसमें जो कंप्रेशन ऑफ वेसल्स है वो किस तरह से, उसका बचाव कैसे होता है, मींस जो ब्लड वेसल्स है उसका कंप्रेशन कैसे बचता है, ड्यू टू दी वाट्सन जेली, वाट्सन जेली की वजह से क्या है, जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर वो कंप्रेस नहीं हो पाती हैं, ठीक है, ट्रू नोड्स। एक होता है फॉल्स नोड्स, फॉल्स नोड्स क्या होती हैं, जब अम्बिलिकल कोड के अंदर कोई गांठ नहीं होती है बट इस तरह से नोड फॉर्म हो जाती है, ठीक है, वो आपको आंखों से सामने से दिखाई देता है कि कुछ गांठ टाइप की वहाँ पे है, वो क्यों होती है, ड्यू टू द किंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, या फिर वाट्सन जेली जब इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे भी फॉल्स नोड्स हमें दिखती हैं, ठीक है, थोड़ी सी ब्लड से मुड़ जाए तो उसकी वजह से फॉल्स नोड्स होती है। ये लॉन्ग कोड के कॉम्प्लिकेशन में पढ़ लिए, तो अब इसके जो कोड एबनॉर्मलिटीज हमने क्या क्या पढ़ लिए, बैटल डोर प्लेसेंटा, वेलामेंटस प्लेसेंटा और अबनॉर्मल लेंथ। अबनॉर्मल लेंथ हमारे शॉर्ट भी हो सकती है, एब्सेंस भी हो सकती है और लॉन्ग कोड भी हो सकती है। अब लास्ट हमारा बच गया है एक, हमारा फोर्थ जो है एब्सेंस ऑफ या फिर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, क्या लिखेंगे हम इसको, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। नॉर्मली कितनी आर्टरी होती हैं अम्बिलिकल, दो आर्टरी होती हैं, ठीक है, मगर उसमें से अगर जो एक अम्बिलिकल आर्टरी है वो डेवलप ना हो, वो फुली डेवलप ना हो, सिर्फ एक हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी है और एक ही अम्बिलिकल वेन है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन कब होती है, ये रेयर होता है, ये भी 1 to 2% ही होता है, बट ये जो नॉर्मली ये जो कंडीशन जो ट्विंस प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ट्विंस होते हैं जब, या फिर मदर क्या हो, डायबिटीज़ हो मदर को, ठीक है, प्रीक्लेम्प्सिया हो,
या फिर एंटीपार्टम हेमरेज हो, इस तरह की कोई डिजीज कंडीशन है, तो बेबी में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है तो फिटल डिस्ट्रेस ऑब्वियस है, वो होगा ही। ठीक है, इसके अलावा कोई जो रीनल या फिर जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, या फिर ट्राइसोमी 18, ठीक है, ये किसके वजह से, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, और फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कोड एबनॉर्मेलिटीज से जो हमने डिटेल में अच्छे से स्टडी किए हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जैसे नॉर्मली दो अम्बिलिकल आर्टरी मैंने बताया और एक अम्बिलिकल वेन बताया। ठीक है, तो अम्बिलिकल जो आर्टरी हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी और वेन्स में ये आपको ध्यान देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।